नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। हमारा देश परंपराओं से भरा हुआ है। हमारे समाज में कई ऐसे रीति रिवाज हैं जिन्हें अंधविश्वास का नाम दिया गया है, जैसे घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगना, बाहर जाने से पहले दही खाकर जाना वगैरह वगैरह। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इस तरीके के रीति रिवाज क्यों बनाए और इसको बनाने के पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या था, ये आपको आज हम बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। हमारे देश भारत में अंधविश्वास से जुड़ी बातों को सबसे ज्यादा महत्ता मिल जाती है। आज के समय में भी लोग अंधविश्वास को मानने से पीछे नहीं हैं। लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अंधविश्वास से जुड़ी वो हर चीजों को मानते हैं जिसमें वो अपना फायदा देखते हैं। उन्हें शुभ अशुभ मानते हुए उन सभी नियमों का पालन किया जाता है जो काफी समय से चले आ रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इनके पीछे कुछ वैज्ञानिक तर्क छुपे हुए हैं? जाने उन सभी बातों को जिसे आप अंधविश्वास मानकर उसे शुभ अशुभ का नाम देते हैं। रात में नाखून नहीं काटना। लोगों में रात में नाखून ना काटने को लेकर अंधविश्वास है कि रात में ऐसा करने से किस्मत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि पुराने वक्त में बिजली नहीं होने के कारण रात में नाखून नहीं काटे जाते थे। उस वक्त नाखून काटने के लिए भी औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। इससे अंधेरे में उंगलियों के कटने का भी डर होता था। बिल्ली का रास्ता काटना। पुराने समय में लोग जब व्यापार के लिए बैलगाड़ियों से होकर एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे, रात के समय में बिल्ली की आंखें चमकती थी जिससे गाय बैल और घोड़े डर जाया करते थे। इसलिए थोड़ी देर के लिए यात्रा रोक दी जाती थी। इसी आधार पर आपस में कहने लगे लोग कि जब बिल्ली गुजरे तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए, और यही बात आगे चलकर अंधविश्वास बन गई। सांप को मारने के बाद सिर कुचलना। कहा जाता है कि सांप को मारने वाले की तस्वीर उसकी आंखों में छप जाती है, जबकि इस अंधविश्वास के पीछे लॉजिक यह है कि सांप के मरने के बाद भी उसका जहर लोगों को मार सकता है, इसलिए उसके सिर को कुचलकर दबा दिया जाता है। ग्रहण के समय बाहर न आना। हमारे बड़े अक्सर हमें ग्रहण के समय बाहर ना निकलने के लिए कहते थे। उनके मुताबिक इस दौरान बुरी ताकतें हावी हो जाती थीं, जबकि इसके पीछे का असली लॉजिक है कि ग्रहण के वक्त सूर्य की किरणों से त्वचा के रोग हो सकते हैं, साथ ही नंगी आंखों से उन्हें देखने से लोग अंधे भी हो सकते हैं। शव यात्रा के लौटने के बाद स्नान करना। भारत में ऐसी मान्यता है कि जब भी शव यात्रा में शामिल हों तो लौटने के बाद स्नान करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा न करना अशुभ माना जाता है। लेकिन इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण की बात करें तो मौत के बाद शरीर में कई हानिकारक बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, और इनके संपर्क में आने से ये बैक्टीरिया दूसरों के शरीर में फैल जाते हैं। इससे बचने के लिए स्नान किया जाता है ताकि ये बैक्टीरिया दूर हो जाएं। दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाना। दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाने के पीछे लोगों का अंधविश्वास है कि ऐसा करने से बुरी ताकतों का साया दूर रहता है, लेकिन इसके पीछे असली लॉजिक ये है कि नींबू मिर्ची में मौजूद साइटिक एसिड होता है जो कीड़े मकौड़ों को घर में घुसने नहीं देता। मंगल और गुरुवार को बाल न धोना। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर सुना भी होगा कि महिलाएं मंगल और गुरुवार को बाल नहीं धोती हैं। इससे वो परहेज करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस दिन बाल धोने से बुरे वक्त की शुरुआत होती है। लेकिन आपको बता दें कि पुराने वक्त में लोग अपने घरों में पानी स्टोर करके रखते थे। बाल धोने में पानी ज़्यादा खर्च होता है तो इन दो दिन पानी बचाने के लिए बाल नहीं धोए जाते थे। सूर्य को जल चढ़ाने का वैज्ञानिक कारण। सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो वो कई हानिकारक तत्वों को नष्ट कर देती हैं, साथ ही हमारी नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सूर्य एक तारा है जो एक आग का गोला है। सूर्य के प्रकाश से ही धरती पर हमारे दिन की शुरुआत होती है, और सूर्य न सिर्फ मनुष्य के लिए बल्कि जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य से ही उन्हें जीवित रहने की शक्ति मिलती है। तो इन मान्यताओं को लोग मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं, और इसके साथ ही साथ ये भी है कि मान्यताओं से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं वो लोगों को जुटानी बहुत ज़रूरी है। जो भी रीति रिवाज हैं जिन्हें भी लोग मानते हैं, आप हम सभी, उनके पीछे का जो कारण है वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते कि लोग उसे अंधविश्वास का नाम दें
और अगर बिना जानकारी इकट्ठा किए या बिना जानकारी लिए बिना कारण जाने आप उस रीति रिवाज को मानते हैं तो ये भी सरासर गलत है, क्योंकि इस तरह का आपके करने से समाज में अंधविश्वास और ज़्यादा फैलेगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए, खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ नंबर के साथ।